गोरखपुर में 19 मई को होने वाले चुनाव तारीख हैं। जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां की सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। गोरखपुर लोकसभा सीट पर 19 मई को होने वाले चुनाव तैयारियों का और जीत का समीकरण तलाश रही भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर काफ़ी सजग नजर आ रही है। तरंग क्रॉसिंग स्थित भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर पर शुक्रवार को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए 300 से ज़्यादा सीटें लेकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। विकास और राष्ट्रवाद ने ये दोनों जनता ने पूर्ण रूप से पकड़ लिया है। उसको विश्वास है कि नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री रहेंगे तो तभी ये देश की उन्नति करेगा और आगे बढ़ेगा। गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, आज की पत्रकार वार्ता में अपने भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय शिव प्रताप शुक्ला जी किसानों को जहां बार बार कर्ज मुक्ति की बात होती थी उसको पूरी तौर पर खड़ा करने की बात हमने किया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान की इधर गोरखपुर क्षेत्र की शुरुआत है और उत्तर प्रदेश में पिछली बार के से अधिक 74 प्लस की सीटें हम लेंगे। जनता श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पुनः बनाना चाहती है, इस नाते उनके विकास के कार्यों से प्रभावित होकर करके एक बार फिर वह प्रधानमंत्री बनाएगी। विकास और राष्ट्रवाद ये दोनों जनता ने अब पूरी तौर पर पकड़ लिया है। उसको विश्वास है कि मोदी जी ही जब इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे तभी यह देश आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा। इस नाते जनता भी भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान में सम्मिलित है। प्रदेश में की केंद्र में निश्चित रूप से 300 से ऊपर सीटें हमारी रहने वाली है, इससे कम नहीं रहेगी।